भारत जापान की मैत्री की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारत जापान मैत्री की मिसाल साबित होने जा रहा हाईटेक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इसे इंटेलिजेंट बिल्डिंग भी कहा जा सकता है। इस बिल्डिंग को अत्याधुनिक तकनीकों के सहयोग से बनाया गया है, जो कई तरह की खूबियों से लैस है। चलिए दिखाते हैं वाराणसी सिटी लाइव की तरफ से ये स्पेशल रिपोर्ट। अत्याधुनिक खूबियों से बनी इस बिल्डिंग की सुरक्षा पर भी खासा ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष में यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो उस आग पर काबू किया जा सकता है। अत्याधुनिक तकनीक के फायर फाइटर खुद ही आग को नियंत्रित कर लेंगे। इतना ही नहीं, कन्वेंशन सेंटर में बने कंपार्टमेंट व वाटर कर्टेन आग से सुरक्षा प्रदान करेंगे। 186 करोड़ की लागत से 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द होने वाला है। रुद्राक्ष के डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने किया है और निर्माण का काम भी जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने किया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कंसर्न, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। इस बाबत जब वाराणसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह से सिटी वाराणसी लाइव ने बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में किसी भी तरह की आग लगने पर कार्यक्रम देख रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल फायर स्टैंडर्ड के मानकों से सुसज्जित किया गया है। बिल्डिंग में आग को रोकने के लिए इसे कई कंपार्टमेंट में बांटा गया है। 450 स्क्वायर फीट पर एक स्मोक डिटेक्टर है। रुद्राक्ष में 199 स्मोक व 53 हीट डिटेक्टर लगे हैं, जो मेन फायर अलार्म एडजस्टेबल पैनल को सूचना देते हैं। जिस कंपार्टमेंट में आग लगता है वहां खुद ही वाटर कर्टेन बन जाता है। रुद्राक्ष में 12 वाटर कर्टेन लगे हैं, जो आग को वहीं रोक देते हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने का समय मिल जाता है। इसके अलावा फायर डिटेक्ट होते ही स्वतः हॉल के दरवाजे खुल जाएंगे। धुआं होते ही स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे धुआं इमारत से बाहर हो जाएगा। लिफ्ट तक आग पहुंचने पर लिफ्ट खुद ही बंद हो जाएगी। मोटराइज्ड फायर डैम्पर सिस्टम लगे होने से सेंट्रलाइज वातानुकूलित का डैम्पर स्वतः ही बंद हो जाएगा, जिससे धुआं फैलेगा नहीं। इसके अलावा कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में पूरी इमारत की स्थिति को देखकर पीए सिस्टम से आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। तो रुद्राक्ष बिल्डिंग है, ये कहा जाए तो फायर सेफ्टी के हिसाब से एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग है। ये सबसे पहले अगर कहीं आग लगती है तो उसको डिटेक्ट करेगा, फिर उसको अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से सप्रेस करेगा और लोगों को इवैक्यूएट करने में, निकालने में सहयोग करेगा। तो सबसे पहले इसमें ये है कि इसमें डिटेक्टर्स लगे हुए, हीट डिटेक्टर और आपके स्मोक डिटेक्टर, जो कि एक एनालॉग एड्रेसेबल पैनल से जुड़े हुए हैं, जिसमें कहीं भी अगर आग लगती है तो ये डिटेक्टर तुरंत, दोनों डिटेक्टर एक साथ इसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद इन्हें एक सिग्नल देंगे, जो कि जो एड्रेसेबल जो पैनल है उसमें आएगा। वो पैनल जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा उस एरिया में। जैसे स्प्रिंकलर है वो चल जाएगा, स्प्रे सिस्टम है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को, हर फ्लोर को 12 भागों में बांटा गया है, जिसके ऊपर वाटर कर्टन लगे हुए हैं। तो जिस भी एरिया में आग लगेगी, जहां से उस सिग्नल दिया उस एरिया के 2 कर्टन चल जाएंगे, पानी के पूरे कर्टन पर्दा जैसा बन जाएगा, ताकि वो आग जो है उसी में रह जाए, उसी एरिया में रह जाएगी, बाकी जगह नहीं फैलेगी। दूसरा काम ये होगा कि उसी जो अलार्म पैनल होगा वो एक और सिस्टम एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा कि जो पूरा एसी सिस्टम है, एसी सिस्टम से जो पूरा सर्कुलेट होती है एयर, उसमें फायर डैम्पर्स होते हैं, वो तुरंत बंद हो जाएंगे अंदर से, जो डक्ट होते हैं एसी डक्ट, जिससे जो धुआं है वो दूसरे भागों में नहीं फैलेगा। जैसे कि बाहर सिनेमा में हुआ था कि धुआं पूरे बिल्डिंग में फैल गया था, यानी उसी जगह रुक जाएगा। और इसके साथ ही तीसरे ऊपर में हाई कैपेसिटी ब्लोअर्स लगे हुए हैं, उनको भी ये स्टार्ट कर देगा, ताकि जो उस एरिया में भी धुआं है वो उसको बाहर की तरफ निकाल दे। इसके अलावा ये जो सिग्नल आएगा, इससे एक और चीज़ होगी कि जो एग्जिट रूट होंगे, जो कि बायोमेट्रिक या इंटेलिजेंस सिस्टम से लगे होंगे, वो भी खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यानी वो अगर लाइट जाने पर ऐसा नहीं होगा कि वो बंद हो जाएंगे, वो तुरंत जैसे ये सिग्नल देगा फायर लगी वो खुल जाएंगे, ताकि आदमी सरपट भाग सके। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे आदमी बैठा होगा, उसके पास भी सिग्नल जाएगी आग लग गई, वो लोगों को सचेत करेगा और कैसे बाहर निकलना है वो देगा। एग्जिट साइनेज लगे हुए हैं, वो तुरंत लोग को गाइड करेंगे कि हमको कैसे बाहर की तरफ आना है। तीसरा चीज़ ये है कि सारे जो फायर सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली है, पंप अपने आप, ये जो सिग्नल होगा वो पंप में भी जाएगा, पंप भी अपने आप चल जाएगा और पूरा फायर फाइटिंग ये करने लगेगा। और जैसे ही फायर फाइटिंग जो कमांड, जो कंट्रोल रूम बनेगा, जैसे लगता है कि फायर फाइटिंग हो गई है और रुक गया है, सीसीटीवी से नज़र रखा जाएगा, और जैसे लगता है कि फायर फाइटिंग हो गई है और फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है, आग बुझ गई है, तो उसके बाद ये सिस्टम को ऑफ किया जाएगा, तुरंत ये बंद हो जाएगा, जैसे पहले की स्थिति है वैसी बहाल हो जाएगी। तो एक तरह से ये कहा जाए कि ये सिस्टम पूरा अपने में कम्प्लीट है, फ्रॉम द टाइम ऑफ डिटेक्शन टू टाइम ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट तक ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है।
सच के साथ।